हाय गाइस, सो गाइस गणेश पूजा का माहौल है और हम लोग डबल वैक्सीनेटेड हो गए हैं अभी. सो वी थॉट लेट्स विजिट ए टेम्पल. अभी बहुत मन कर रहा था टेम्पल आने का, रोज़ा का. तो मैंने बोला कि चलो आज तुमको बहुत बड़ा टेम्पल दिखाता हूँ. वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स इन गोवा एंड इवन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एज वेल. रोज़ा बहुत हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट भी है ये प्लेस जहाँ पे हम लोग हैं. सो दिस इज शांता दुर्गा टेम्पल इन पोंडा एरिया. एक्चुअली हम लोग बहुत दिन से एरिया विजिट करने का सोच रहे थे, बट ये टेम्पल सारे क्लोज थे बिकॉज ऑफ कर्फ्यू. अभी गणेश पूजा के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है, सो वी ऑल्सो थॉट कि चलो इसी मौके में हम लोग टेम्पल्स भी विजिट कर लेते हैं एंड ये पूरा पोंडा एरिया भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. टेम्पल इतना अच्छा लग रहा है, इतना पीसफुल लग रहा है, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लग रहा है टेम्पल विजिट करके. क्या रोज़ा गाइस, ये टेम्पल बहुत पुराना है. इट गोज़ बैक टू 16th सेंचुरी और इवन ओल्डर. 1566 में जब पुर्तगीज आए थे तो जो देवी थे सी वॉज देयर इन केलोसिन. तो पुर्तगीज जो आर्मी थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ओरिजिनल टेम्पल जो केलोसिन में था, और उसके बाद देवी को वहाँ से लाया गया काबाले में, ये एरिया में, पुंडा एरिया में. और ये पहाड़ के ये पहाड़ी है तो यहाँ पे ही देवी का पूजा वहाँ से उसके बाद कंटिन्यू हुआ था. और 1715 से 1738 में फिर इसका कंस्ट्रक्शन हुआ जो आज के दिन में आप देख रहे हैं. तो टेम्पल हैज़ बिन बिल्ट रीबिल्ट, ऐसे बहुत उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है. आई थिंक शिवाजी उनके एंसेस्टर्स, ये शाहजी संभाजी के भी टाइम पे भी थोड़ा बहुत रिकंस्ट्रक्शन हुआ है. ग्रैंडसन थे संभाजी, उनके टाइम पे भी थोड़ा बहुत रिकंस्ट्रक्शन हुआ है. तो गाइज, इसका जो टेम्पल का अंदर का जो फ्लोरिंग है तो वो मार्बल या जो भी वो रॉक्स है दैट वाज ब्रॉट फ्रॉम कश्मीर. अंदर एक गोल्डन पालिंग की भी है. अनफॉर्चुनेटली वो विजिटर्स मतलब के लिए अलाउड नहीं है देखना, उसको ओपन नहीं है वैसे. और एक चीज़ रोजा तुमने नोटिस किया क्या, ये जो टेम्पल है बहुत यूनिक है. तो ये जो महाराष्ट्र के अगर आपने कुछ टेम्पल्स देखे हुए हैं वो डीप स्ट्रक्चर में होता है. हाँ. तो ये जो मेन मंदिर के सामने वाला जो स्ट्रक्चर है सो दैट इज रिजेम्बलिंग दैट डीप वाला स्ट्रक्चर. हाँ, दिया का जो रखने जो रखने के लिए करते हैं. तो जब आई थिंक जब दिया जलाते होंगे तो यहाँ पे रखते होंगे प्लेसेस है. तो मुझे बहुत ही यूनिक लगता है ये टाइप के टेम्पल्स भी. और मुझे बहुत मन था कि एक बड़ा सा टेम्पल देखूं आके. एंड इट्स रियली ए मेसमराइजिंग प्लेस. इट्स सो काम, सो पीसफुल. आप आके आराम से यहाँ पर बैठ के जो व्यू है ये जगह का, ये पहाड़ के ऊपर है, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है और आगे पूरा घना जंगल भी है. और बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. और इनका यहाँ पे ये भी है ना, गेस्ट हाउसेज भी है. हाँ, कैंटीन है, गेस्ट हाउस है, बट आई डोंट थिंक इट्स ओपन नाउ. बट या अगर आपको आप चाहते हैं यहाँ स्टे भी कर सकते हैं. और ये भी 18th सेंचुरी का टेम्पल है. आई एम अमेज्ड कि 18th सेंचुरी का टेम्पल इतना अच्छे से कैसे मतलब अभी तक है. प्लस दिस टेम्पल इज़ वेरी सिंपल इन इट्स आर्किटेक्चर. जो अगर आप शांता दुर्गा और नियर बाय आई थिंक कुछ कुछ और टेम्पल्स हैं उससे कंपेयर करेंगे तो ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. बट अंदर जो शिव जी का मूर्ति है दैट इज़ गॉर्जियस. वो पूरा सिल्वर का मूर्ति है. इट इज़ रियली रियली अ नाइस प्लेस. एंड आप अगर शांता दुर्गा टेम्पल आ रहे हैं तो डेफिनेटली विजिट दिस. सो गाइज, ये है साफा मस्जिद.
ये 1560 के आसपास में बीजापुरी रूलर जो थे आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, उन्होंने बनाया था। अभी कोविड के लिए तो अभी ये बंद है। सितंबर कितना लिखा था रोजा? अरे बंद है, बंद ही है। इट्स अ रियली नाइस प्लेस। अभी उनका पानी कितना अच्छा दिख रहा है ना वहाँ पे, बहुत सुंदर दिख रहा है। खुला होता तो इट वुड हैव बीन अ रियली नाइस प्लेस टू विजिट यार। अच्छा लगता घूमने के लिए। अभी तो खुल जाना चाहिए था, बहुत कुछ नेशनल मॉन्यूमेंट सब खुल गया है ना अभी। हाँ बट ये तो ड्यू टू अनटिल फर्दर नोटिस बंद है वैसे। बट यहाँ से भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये मस्जिद, जाते तो अच्छा लगता। सो गाइज वी आर बैक इन पोंडा आफ्टर अ वीक। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, हम लोग लास्ट वीक जब शांता दुर्गा टेम्पल आए थे और जो फोटोज हमने डाले, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स हमको ये पूछे कि अच्छा ये मंगेशी टेम्पल है क्या, एंड वी सेड नो। सो दे टोल्ड अस कि मंगेशी टेम्पल इज अ वेरी प्रोमिनेंट टेम्पल इन पोंडा, जो कि मतलब लोकल्स टूरिस्ट सब में बहुत ही पॉपुलर है। एंड विजिट टू पोंडा इज इनकम्प्लीट विदाउट विजिटिंग मंगेशी टेम्पल, सो वी थॉट वी हैव टू विद गो बैक टू देयर एंड विजिट दिस प्लेस। एंड या दिस इज द टेम्पल, ये शिव जी का टेम्पल है, श्री मंगेश जो शिव जी का नाम है यहाँ पे। एंड दिस इज लिटिल सिमिलर टू शांता दुर्गा टेम्पल, बट आई वुड से वेरी डिफरेंट। थोड़ा थोड़ा आर्किटेक्चर सिमिलरिटी है, बट कलर वाइज एंड बहुत कुछ डिफरेंट है। जो टेम्पल है ये मंगवेसी विलेज में है, एंड अगर आपको लग रहा है कि ये फेमिलियर क्यों सुनाई दे रहा है, सो यस दिस इज द विलेज ऑफ फेमस सिंगर लता मंगेशकर जी। तो लता मंगेशकर जी इसी गांव में पैदा हुए थे। इसका स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लता मंगेशकर जी के दादाजी थे, ही वॉज ए प्रीस्ट इन दिस टेम्पल, एंड दीनानाथ मंगेशकर जो लता मंगेशकर जी के पापा हैं, वो 1900 में यहाँ पे पैदा हुए थे। एंड उन्होंने क्या किया, बाद उनका जो फैमिली नेम था वो था हार्दिकर, एंड उसको उन्होंने चेंज कर दिया टू मंगेशकर, सो दैट कि वो अपने जो विलेज का नाम के साथ उनका नाम जुड़े, एंड दैट इज़ वेयर दे बिकेम मंगेशकर फ्रॉम हार्दिकर। हाँ, और जब आप ये मंदिर आएंगे तो स्ट्रीट का नाम भी, स्ट्रीट का नाम भी दीनानाथ मंगेशकर रोड, which is named after him, which is a very good homage. Yeah, yeah, they are very famous in this particular area because Lata Mangeshkar ji ko to sab jante hain yaar. Yeah. सिंस बहुत एक पॉपुलर टेम्पल है, सो बहुत ज़्यादा यूजुअली भीड़ रहता है। वी आर वेरी लक्की कि आज ज़्यादा भीड़ नहीं था, एंड मॉर्निंग ये 11:30 तक ओपन होता है, एंड देन अगेन 3:30 आफ्टरनून से फिर से ओपन होता है। सो प्लीज़ प्लान योर विजिट अकॉर्डिंगली, एंड सिंस दिस इज़ अ टेम्पल प्लीज़ बी रेस्पेक्टफुल इन योर क्लोथिंग, वट एवर यू आर वेयरिंग दैट्स फाइन, बट इट शुड बी बिलो योर नी और आपके शोल्डर्स कवर होने चाहिए। एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे एक कैंटीन है विच इज़ रियली क्लीन एंड द फूड इज़ रियली गुड, वी विल डेफिनेटली रिकमेंड इट। यहाँ अन्य बिना अनियन गार्लिक का कैंटीन है एंड द फूड इज़ रियली नाइस।
सो ये था हमारा ट्रिप टू पोंडा। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, जैसे कि कुछ स्पाइस गार्डन्स भी है, वो हमने विजिट नहीं किया बिकॉज ऑफ सर्टन ऑब्वियस थिंग्स, बिकॉज दे डोंट शो यू अ लॉट स्पाइसेस एंड ऑल, दे जस्ट टेक सम 400 और प्लस रुपीज टू शो यू समथिंग, देन खाना पीना कुछ रहता है उस पे, दो तीन बस स्पाइस के प्लांट्स दिखाते हैं ना। करेक्ट, उनका मोर फोकस इज टुवर्ड्स सेलिंग यू द स्पाइसेस, मोर फॉरेनर्स ड्रिवन है वो चीज़। बट आपको अगर फैमिली को लेके आना है, थोड़ा बच्चे बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है कहीं पे, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट ये टेम्पल्स बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली पीसफुल, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर, बहुत ही अच्छा था और अच्छे से दर्शन भी हुआ दोनों जगह पे। एंड वी रियली लव्ड द विजिट द ट्रिप टू पोंडा बिकॉज ये जर्नी बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत जंगल है, घना जंगल है, सो या यू विल लव इट। So we'll definitely recommend, definitely visit these temples and have a lovely day in Ponda. Yeah. So thank you for watching this video. Do subscribe to our channel and comment in the section below which temple do you want to see next.